अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच केक, सैलेड सैंडविच केक। मैं बहुत आज एक्साइटेड हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो चीज़ें हैं वो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये उबली हुई चिकन, ये आप 200 ग्राम्स लें। इसको हमने बॉयल करके क्रश किया है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है, बंद गोभी, खीरा, गाजर और शिमला मिर्च। इन सबको मैंने चॉपराइज किया है। ये मेरे पास एक कप है और दो बॉयल एग्स, जिसको मैंने बॉयल करके और क्रश कर दिया है। अच्छा, इसके साथ जाएगा चिल्ली सॉस, सॉल्ट, ये थोड़ा थोड़ा सा जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मस्टर्ड पाउडर, इस पर मस्टर्ड पेस्ट भी जाता है, ठीक है। मायोनीज हमें यूज़ होगा करना, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ठीक है। और इसके साथ ब्रेड भी होगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम बना रहे हैं इसका लेयर्स हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें सब में ऐड करनी है, ताकि हम अलग अलग से लेयर्स बनाएं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये चिकन है हमारे पास, उसमें मैं 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, इसमें भी मैं 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, और इसके अंदर भी, ठीक है, वाइट सफ़ेद मिर्च, इसमें थोड़ा सा, थोड़ा इसमें और थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें भी सॉल्ट और इसके अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक। ये ब्लैक पेपर है। वेजिटेबल्स में हम ब्लैक पेपर ऐड नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा एग्स में और चिकन में हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हम चिली सॉस वेजिटेबल्स में यूज़ करेंगे। अब सब में हम मायोनीज, अब हम इसको मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने इसमें मायोनीज और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको मिक्स किया है। तीन मेरी लेयर्स हैं, ठीक है। अब मैंने ब्रेड लिया है, ये देखें ब्रेड, ये 8 पीसेस मैंने लिए, चार ये, ठीक है। अब इसे मुझे 4 लेयर्स बनानी है इनकी। पहले हम इस तरह ब्रेड रखेंगे। अब हम इसकी पहले फिलिंग करेंगे, इस लेयर बनाएंगे। बॉयल एग की देखिए व्यूअर्स, कंजूसी नहीं करनी, बहुत अच्छा सा हमने इसको फिल किया है। अब हम इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। हम अब इसके ऊपर रखेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की लेयर। देखिए व्यूअर्स, ये अब हो गया है वेजिटेबल्स का। अब हम इसकी थर्ड लेयर बनाएंगे चिकन का। जी व्यूअर्स, ऊपर चिकन का लेयर भी हो गया। अब हम फाइनल टच, ऊपर से पूरा हमको, हम इसको कवर कर लेंगे मायोनीज से और क्रीम चीज़ और क्रीम के साथ। तो वो अब मिक्सचर में बना रही हूँ, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो लेयर लगाएंगे मायोनीज, 1 कप, 1/2 कप मैंने क्रीम चीज़ लिया है, और 2 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये पूरा हमें मिक्स करना है, ताकि ऊपर लेयर हो जाए पूरी।
तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए ऊपर का क्रीम जो है वो मेरा अच्छा सा स्मूथ सा मिक्स हो गया। अब इसको पूरा मैं हर तरफ से पूरी चारों साइडों पे लगाऊंगी, ऊपर और चारों साइडों पे। इस तरह हम अप्लाई करेंगे, जिस तरह केक पे हम ऊपर से गार्निश करते हैं क्रीम के साथ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा सा केक शेप बन गया है। हम ऊपर से गार्निश करेंगे। ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं बचा हुआ, तो ये ऊपर से खीरा, और साइड से ये जो बंद गोभी और शिमला मिर्च, प्लस इस तरह हल्के हल्के हाथों से जी व्यूअर्स देखिए हमारा रेडी हो गया सैंडविच केक, सैलेड सैंडविच केक। ठीक है, होप आप इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगा। पार्टीज़ में आप रख सकती है, दावतों में, तो सब इंजॉय करेंगे। ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।